पंकज गुप्ता, विधायक सदर उन्नाव। लगातार उन्नाव सदर से दूसरी बार बने विधायक। 90 से लोक संघर्ष और 92 से भाजपा ने शुरू किया था राजनीतिक सफर। पंकज गुप्ता के बयान से साक्षी महाराज की उड़ेगी नींद। आज हम जानेंगे उन्नाव की राजनीति को लेकर क्या है पंकज के मन में। स्वागत है आपका सीधी बात सच के साथ कार्यक्रम में। नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है, पर इस बार का शख्स वह लगातार उन्नाव के सदर से दो बार विधायक। बात उनसे करेंगे कि भाजपा सरकार में अब तक काम और अब तक इनके पद के अनुसार कितने काम और इनकी राजनीति में, चूंकि ये सवाल कई लोगों ने पूछा होगा, लेकिन अब एक बार फिर से कि राजनीति में उतरने के पीछे का मकसद क्या था, भारतीय जनता पार्टी का दामन और उसको लेकर अब तक चले उसका मकसद क्या था, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका इनका झुकना या भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी विचारधारा साथ मिलकर चलना उसका कारण क्या था, इन सब बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे पंकज गुप्ता के उत्तरों से। मेरे सवाल और पंकज गुप्ता के उत्तर। हाजिर है हम पंकज गुप्ता के साथ में। हमारे साथ उपस्थित है पंकज गुप्ता, हम बात करते हैं। पंकज जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद पंकज जी। राजनीति में कई लोग उतरते हैं तो उनका मकसद होता है मंच, माला, ताली, फूल, ये सब मिल जाए और माइक मिल जाए तो और जनतंत्र में वोट। क्या आपका राजनीति में उतरने के पीछे का मकसद भी यही था, मंच, माला, तालियां और ये सब कुछ, वोट और सत्ता प्राप्ति? नहीं, राजनीति कई लोगों के लिए विषय इस प्रकार का हो सकता है, मंच, माला, माइक, कुर्सी, ये कई लोगों का विषय हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा राजनीति में आना हुआ, क्योंकि हमारा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से नहीं था, ना राजनीति से था हमारे परिवार में कोई, लेकिन मुख्य रूप से हमारा इस प्रकार से आना हुआ क्योंकि हमारे आने से पहले जो हमने व्यवस्था यहाँ पर देखी है, विशेषकर अपने उन्नाव में, कि सही और गलत के आधार पर निर्णय नहीं होते थे, निर्णय वोट बैंक के आधार पर होते थे। अगर जिसके पास वोट ज़्यादा है वो गलत भी है तो उसकी मदद होगी, और जिसके पास वोट नहीं है वो गरीब है, कोई सुनने वाला नहीं, तो उसकी मदद कोई करने वाला नहीं है। ये कष्ट कहीं ना कहीं किसी घटना के माध्यम से हमारे साथ भी आप बीती हुई, इस पीड़ा के साथ हम राजनीति में आए, और मुझे लगता है कि जनपद में बहुत सारे प्रतिनिधि अच्छा अच्छा काम अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि गरीब व्यक्ति है जिसका कोई सुनने वाला ना हो उसकी मदद अवश्य होनी चाहिए। इस दिशा को देने के लिए हम राजनीति, सबसे पहले किस वर्ष में आपको लगा कि अब राजनीति में जाना चाहिए, व्यवस्था आता है, कौन सा वर्ष था ये? 90-91 की बात है, उस समय राजनीति आने का अवसर मिला। 90-91 के आसपास देखें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत कम था, और उस समय तो बहुत बहुत संघर्ष से गुजर रही थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय भाजपा का की तरफ आपका ये विचारधारा और भाजपा की तरफ मन आखिर क्यों? और भी सारे दल थे, एक यही दल क्यों? 90-91 में भाजपा में आना नहीं हुआ, भाजपा में हमारा आना हुआ 92 के आसपास, जब वो एक विषय पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के लिए उठा पूरे देश में, तो उस आवाज़ के साथ हम सब लोगों ने भी अपनी आवाज़ जोड़ी, उस समय भाजपा में हमारा प्रवेश हुआ, क्योंकि भाजपा आम हिंदू जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही थी, तो उस दिशा में हम लोग भी आगे बढ़े। उसके पहले सामाजिक सेवाओं के माध्यम से हमारा राजनीति में आना हुआ, और तब से आते थे। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि आप एक बात तो ये कह रहे हैं कि जनसेवा की दृष्टि से आपने राजनीति में पदार्पण किया, उत्तर पहले वाला ऐसा, फिर आपने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व के नाम पर आपको लगा कि श्री राम की लड़ाई लड़ने वाले भाजपा वाले लोग हैं, आप उनके साथ होंगी, तो अब बात मन में ये नहीं आ रही है कि दल आपने समाज सेवा के लिए चुना या श्री रामचंद्र भगवान के लिए चुना? नहीं, आप इसको दिशा दे रहे हैं, आपके उत्तर से दिशा तो मेरे निश्चित रूप से ऐसा लग सकता है आपको, निश्चित रूप से सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं आप जब समाज में उतरते हैं तो आपको पदों की आवश्यकता पड़ती है, शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आप ये भी कह सकते हो कि हम राजनीति में है, समाज सेवा के क्षेत्र में, तो हमको विधायक बनने की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमको चेयरमैन बनने की क्यों आवश्यकता पड़ी, माता जी को ब्लैक रूम बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब पद होता है तो उसके माध्यम से अधिक सेवा आप जनता की कर सकते हैं, अपना दायित्व निर्वहन कर सकते हैं, और ये पदों की जो रचना की है, व्यवस्था है, ये निश्चित रूप से दलों के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उस समय एक हिंदुत्व का भाव मन में जागा और मुझे लगा कि इस दल के माध्यम से हम ज्यादा अच्छा समाज में काम कर सकते हैं, हमारा भाजपा भी आगमन हुआ। नहीं, बात तो चलो ठीक लगती है, क्या लगता है आपको इस समय जो कासगंज की घटना, हालांकि ये सवाल आपसे बहुत दूर से आता है लेकिन नजदीक इसलिए कि 26 जनवरी का हुआ और चंदन गुप्ता कहीं ना कहीं राष्ट्र का एक वीर लड़का ही था,
एबीवीपी आपसे आपके भारतीय जनता पार्टी से निकली हुई धारा ही है। सवाल यह है कि क्या लगता है हिंदुत्व और मुस्लिम आदि इन शब्दों के नाम पर या इस तरह की राजनीति करना क्या देश को वह दिशा मिल पाएगी जो परिपक्व समाज सेवा की तरफ ले जाएगी? तो मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में जब से ये राजनीति का वोटों का आना जाना हुआ, लेना देना हुआ, तब से विकास के नाम पर, काम के नाम पर इस देश में वोट नहीं लिए दिए गए। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा 2014 में कि भ्रष्टाचार, विकास, इन मुद्दों पर वोट हुई और इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए। सौभाग्य की बात है कि जनता जागरूक हुई और इस आधार पर वोट हुए, अन्यथा आप देखिए शुरुआत से उठाकर आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक, कभी भावनाओं के आधार पर वोट लिए गए, कभी जातियों के आधार पर वोट लिए गए और आगे चलकर धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया, धर्म के आधार पर वोट लिए गए। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या कि एक विशेष वोट बैंक को किस तरीके से संतुष्ट किया जाए, ये परंपरा सारे दलों ने, सपा, बसपा, कांग्रेस ने बरसों की, उससे एक मनोबल बढ़ा हुआ। अब व्यवस्था लगती कि सामान्य प्रक्रिया में यदि सबको सामान्य ढंग से संचालित किया जाए व्यवस्था, तो कुछ लोगों को पीड़ा होती है जी। हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय बोलने वाले को यदि गोली मारी जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकता। कठोर से कठोर कार्रवाई योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश उस पर करने वाली है, कहीं कोई समझौता नहीं होने वाला। बहुत बात ठीक है। अच्छा, आपके 1992 से लेकर अब तक की यात्रा ही जानी है, अगर देखा जाए, हम गिनती करें तो 25-30 वर्ष के आसपास होने वाले हैं। इतने वर्ष की राजनीति में जरा ऐतिहासिक कुछ काम गिना दीजिए। यहाँ की दूसरी बार विधायक हैं, अभी विधायकी का कार्यकाल एक साल ही होने वाला है तो काम है, लेकिन जो पिछला बीता है, ऐतिहासिक काम जो आपने संघर्षरत होते हुए किया, हालांकि पहले आपकी सत्ता नहीं थी उस तरह की जिस तरह से आप हैं। देखिए, हम विधायक बने तो विधायक के कार्यकाल में जब हम विपक्ष के विधायक थे, हमने मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्यादा विचार किया, जैसे बिजली, सड़क, पानी, और हमने पाया कि हमारी विशेषकर विधानसभा में यदि 400 गांव मजरे हैं तो सिर्फ 190 गांव में 70 साल में बिजली आई, बाकी 210 गांव में बिजली नहीं आई। आज सौभाग्य की बात है कि मुख्यालय की विधानसभा है, प्रत्येक मजरे को बिजली पहुंचाने का काम लगभग पूरा हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी जी, मोदी जी दोनों को, कि उनके नेतृत्व में हम लोग ये काम करने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, सड़कों के मामलों में सुधार करना, या जितने भी आप क्षेत्र जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं उनमें मूलभूत परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन विषयों को लेकर नगर क्षेत्र के, क्योंकि दो नगर पालिका है हमारे अंदर, इन 70 सालों में जनता परेशान नहीं गई ने, सीवरेज और पेयजल की व्यवस्था इस बार सरकार दिल्ली में बनी, हमारी प्रदेश में बनी, तो सबसे पहले हमने अपने उन्नाव को अमृत योजना में सम्मिलित कराया। और आज लगभग आने वाले समय में इन 5 सालों में 1,000 करोड़ के तीनों कामों को मैं पूरा कराने का काम करूँगा, तो काफी अच्छा डेवलपमेंट है, जनता संतुष्ट है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अभागे जो व्यवस्था थी उसको भाग्य प्राप्त होगा, देखते हैं क्या होगा समय आने पर। अच्छा, एक चीज और सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंकज गुप्ता संसदीय के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका कहना है? हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी ने जब जब जो निर्देश दिया उसके अनुपालन में हमसे जो बन पड़ा हमने करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हम अपने विधानसभा के लोगों को आज अपनी सेवा के माध्यम से, पार्टी ने निर्देश आपको दिया तो आप तैयारी, पार्टी निर्देश देगी तो बिल्कुल जो निर्देश पार्टी का उसका अनुपालन किया जाए। ना आपने, पार्टी ने निर्देश दिया तो चुनाव जरूर लड़े, इसका मतलब मन के अंदर साफ है कि इस बार की तैयारी में पंकज गुप्ता पीछे नहीं हटेंगे और निश्चित रूप से सांसद की तैयारी में है पंकज गुप्ता। आदरणीय साक्षी महाराज जी, चूंकि यहाँ से सांसद है, आदरणीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांसद है, मन लगाना ठीक था। क्या आपको लगता है उनके कार्यकाल में बोलना ज्यादा हुआ ऐसा लगता है, काम कम हुआ ऐसा हमें लगता है, आपके हिसाब से क्या? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। साक्षी महाराज जी ने भी इन 5 सालों में अपने क्षेत्र में, जनपद में विकास की नई धारा देने का काम किया, दिशा देने का काम। मैं पूर्वा से आता हूँ, वहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ गांव में नहीं गए वो, फिर से मैं खुद वहाँ से आता हूँ तो आपको लग सकता है क्योंकि संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा होता है, विधायक होके भी सारे गांव में पहुँच पाते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप कर लेते हैं सब, आप दो बार विधायक रहे, जिस तरह से यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहना है कि गाँव जाना, लोग आप सुबह भी आए तो 2 घंटे इंतजार करना पड़ा कि आप लोगों से मिल रहे थे, तो ये व्यवस्था आपसे हो सकती है, उनसे क्यों नहीं सकती? कार्यक्षेत्र का
आप बचाव कर बचाव का विषय नहीं है, निश्चित रूप से उनके ऊपर और भी पूरे देश की जिम्मेदारी है। महामंडलेश्वर है, 5 पीठों में से 1 पीठ के वो मठाधीश है, तो निश्चित रूप से पूरे समाज की, हिंदू समाज की, अपने मठों की बहुत सारी जिम्मेदारी है। अब मैं अगर ये कहूंगा कि इसके लिए भी उनको मठी देखना चाहिए था सांसद, तो ये आपसे मतलब नहीं है इस सवाल का। चलिए खैर अगला प्रश्न मैं कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब कासगंज की घटना, इस तरीके से घटना है उत्तर प्रदेश में और ना, इसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों की सूझबूझ से, क्योंकि आप सभापति भी हैं, कुछ नया होगा? अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसके लिए सदृढ़ तरीके से कदम उठाए जाएंगे? एक बात तो आप लोगों को भी मानना पड़ेगा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से इस प्रकार की, मुझे लगता है ये पहली घटना है जी। इसके पहले इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी हुई। आप पिछली कार्यकालों को उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार, अभी एक ही साल हुए सर, वो भी 5 साल का उनका कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है कि हर हफ्ते कोई ना कोई इस तरीके की जाति हिंसा या धर्म के आधार पर हिंसा या जाति के आधार पर हिंसा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता था। इन पे बड़ी तेजी से लगाम लगाया गया, चूंकि ये इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना कोई एक दिन का काम नहीं है, या सिर्फ जादू की छड़ी नहीं कि चला दिया जाए, लेकिन परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहा है। आप मानकर चलिए कि आम जनमानस के मन मस्तिष्क में ये बात स्थापित हो चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा, गुंडा राज समाप्त होगा। अब आपके मन में मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक होगा ना, उम्मीद के अब मुझे ये करना, आई हैव टू डू दिस फॉर माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आपको लगता है कि मुझे अभी ये करना है और बाकी है, वो 3-4 पॉइंट गिना दीजिए कि ये काम है, ये काम है, ये काम है जो मुझे करना है, उसकी आवश्यकता है, वो क्या? देखिए मुख्य रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें भी अभी काफ़ी काम होना बाकी है, उनको तो सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में काम करना, हमारे जनपद में चिकित्सा की व्यवस्था में भी कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, विशेष करके जब किसी को गंभीर अवस्था में हम लोग अपने जनपद के चिकित्सालय में लाते हैं, उसे रिफर करने के अलावा हमारे सामने विकल्प नहीं होता जी। तो यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और जो मुख्य काम है कि माँ गंगा हमारी बरसों से प्रदूषित हो रही, किसी ने ध्यान देने का काम नहीं किया, तो जो उद्योगों से निकलने वाला जल है या हमारे नगर पालिकाओं से जो निकलने वाला जल है, इसको शुद्ध करके गंगा में प्रवाहित किया जाए, इसलिए STP प्लांट लगे, इन सारी दिशाओं में, प्रदूषण की दिशा में हम सबको काम करना है, और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इन दिशाओं में मैं काम कर पाऊंगा और निश्चित रूप से गाँव का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। लगभग सारी बातें आपने सुनी, एक बात तो आप जान चुके होंगे कि संभवतः अब उन्नाव को एक ऐसा सांसद मिल सकता है, वो सूत्रों से हवालों की खबर में जा रहा हूं, हो सकता है कि मिल सकता है कि लगातार 2 घंटे बैठकर बातचीत करे जनता से, उनकी बात सुने, उनके पास जाए, उनकी तथाकथित बातों को सुनकर उसका निदान करे, ऐसा सांसद हो सकता है कि मैं प्राप्त हो, लेकिन वो समय बताएगा। खैर आज के लिए इतना ही, सारी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि पंकज गुप्ता ने राजनीति में समर्पण क्यों किया था, भारतीय जनता पार्टी क्यों पकड़ी थी, और उसका उनके साथ अब तक दामन क्यों थामा रखा, उसका कारण भी आप जान चुके। खैर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एजेंसी।